पिछले एक घंटे से आप सभी लोग इस प्रोग्राम सेशन को बैठकर समझ रहे हैं और आज कौन सा दिन है? संडे का दिन है। और संडे का दिन यकीन मानिए हर एक इंसान की जिंदगी में बड़ा बिजी दिन होता है। वो कोई भी काम करता रहता है, कहीं से भी काम करता रहता है, वो हर काम को बेचारा संडे के दिन पेंडिंग रखता है कि हम संडे को ये काम करेंगे, यहाँ जाएंगे, कोई खेलने जाएगा, कोई किस काम के लिए जाता है। लेकिन आप लोगों ने उस संडे के तमाम कामों को छोड़कर आप मेरे इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का आभार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग के लिए अब तक की सबसे जानदार और शानदार तालियां होना चाहिए, वो आपके लिए होना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, कोई आ रहा है प्रोडक्ट के बारे में बता के जा रहा है, कोई आ रहा है पैसे कमाने के बारे में जा रहा है, ऐसे ही ये बीमारी ठीक हो रही है, और कोई आ रहा है पैसे कमाने के तरीके के बारे में बता जा रहा है, यार कोई मौका मिल गया कि 100 करोड़ की बातें करके चला जा रहा है, ऐसा चल रहा है। मेरे दोस्त, नो डाउट ऐसा मेरे जीवन में भी आज से दो साल पहले मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा था। और मैं आपको बता दूं, मैंने स्टूडेंट लाइफ में ये कॉन्सेप्ट देखा पढ़ाई करते हुए बनारस के अंदर, और जब मैंने मीटिंग को देखा था तो मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। दो तीन बातें समझ में आई थी। वो तीन बातें क्या समझ में आई थी? पहला तो ये समझ में आ रहा है कि ज्वाइन करने के लिए 600 रुपए का फॉर्म भरना पड़ेगा, 600 रुपए मेरी आईडी लग जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये समझ में आई थी, प्रोडक्ट पहले खुद खरीद के यूज कर लेना है। दूसरी बात, बस दो लोग को ज्वाइन करना देना, मतलब दो तीन बातें ये समझ में आई थी, यार यहाँ पे 600 रुपए लाके आड़ी लगानी है और यहाँ पे जुड़ जाना है और लोगों को जोड़ देना है। इससे अलावा और मेरे पल्ले कोई बात पड़ी नहीं थी कि आज समाज के अंदर क्या क्या तकलीफ है, क्या समस्याएं हैं। मेरे दोस्त, आज हम जब समाज के अंदर जाते हैं, जब समाज के अंदर घुसते हैं, आज एक इंसान पैसा कहीं भी कमा लेता है, आप ये काम करिए ना करिए डजंट मैटर, आप सभी लोग, लेकिन ये काम क्यों करना है हम लोगों को? हमारे और आपकी इस काम से क्या समाज के अंदर कोई बदलाव हो सकता है, नहीं हो सकता है? अगर वो चीज होगा तो हम सभी लोग मिलकर इस काम को करेंगे, क्या हम सही है? Yes, सही रहेगा तो साथ देंगे, पक्का देंगे। देखिए, अपने लिए यार कोई भी इंसान 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करके अपना पेट, कोई भी, आज लोग बोलते हैं यार धर्म का काम करिए, अच्छा काम करिए, पूजा करिए। मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा धर्म का काम क्या होता है? किसी को 2 रोटी खिला देना, किसी को 10 रुपया दे देना, किसी को 100 रुपया दे देना, मेरे दोस्त, ये धर्म का काम नहीं होता। आज की इस कलयुग में सबसे बड़ा धर्म का क्या काम होता है? किसी भी इंसान को समाज के अंदर अनटैलेंटेड लोग, किसको? टैलेंटेड को तो सब पूछते, जिनके अंदर कोई टैलेंटेड ना, उनको समाज के अंदर से पकड़ कर उठा के जबरदस्ती किसी अच्छे प्लेटफॉर्म में लाके सफल कर देना, इससे बड़ा कोई धर्म का काम हो सकता है क्या? ऐसे व्यक्ति को लाते हैं, ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो पढ़ा लिखा कम होता है, जो बेचारा बेरोजगार होता है, जो कुछ नहीं करता है, जिसको समाज बोलता है भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे लोगों को मैं लाते हैं स्लीपर्स वेलनेस के माध्यम से, उनको एक ड्रीम दिखाते हैं, उनको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं और उनके बताते हैं सर हमारे स्टेज पे कैसे बात कर सकते हैं, कैसे हमको कपड़े पहन के समाज के अंदर चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए। अगर हमारे और आपके एफर्ट से समाज के अंदर अगर ये बदलाव हो सकता है तो हम लोग को मिल के करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मिल के करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और आज समाज के अंदर आप देखिए किस तरीके की बीमारियां हो रही है। बात पैसे की नहीं है, आप मत प्रोडक्ट खरीदिए, मत पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जरा नजर बंद करके देखिए 3 साल 4 साल के बाद पहले का दिन याद करिए कि आपने ऐसे भी इंसान को खो दिया होगा जिनके बारे में कभी आप सोचा नहीं करते थे कि हमारे बीच में नहीं रहेंगे। आखिर मैंने उस इंसान को क्यों खो दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा इम्यूनिटी पावर, हमारा खान पान इतना दूषित हो चुका है कि हमारे शरीर के अंदर किस इंसान के अंदर क्या बीमारियां चल रही कोई जानता है क्या? और जब हमारे लोग बीमार होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हॉस्पिटल में लेकर जाते नहीं जाते हैं? हमारे रिलेशन में किसी को कोई भी बीमारी हो जाती है, बड़ी उम्मीद के साथ हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, लेकिन मैं 100% लोगों की बात नहीं करता, लेकिन 90% आज हॉस्पिटलाइज, पूरा डरावनी भय बन चुका है भाई। इंसान हॉस्पिटल में जाने से डर रहा है, बेचारा जा रहा है किसी बीमारी इलाज कराने, हो जा रहा है कोई और बीमारी, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? आज पैसा कमाने के लिए डॉक्टर से जिनको हम भगवान मानते हैं 100% लोगों में बात नहीं करता सर, लेकिन ये पूर्ण रूप से शैतान बन चुके हैं। वो 10,000 15,000 के इंसान का पेट भी चीर देते हैं, उनको आपके इमोशनल रिलेशनशिप कोई मतलब नहीं है, बस पैसे आने, ये पैसा कमाने का रास्ता है। मार्केट के अंदर लोग पैसा कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं? जी सर। आज पैसा कमाने के लिए मेरे दोस्त, किसी ने कोई नेता किसी नेता का गला काट रहा है, कोई बड़ा बिजनेस छोटे बिजनेस को दबा दे रहा है,
ये समाज के अंदर पैसा कमाने के लिए हर एक बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को निचोड़ निचोड़ के खा रहा है, खा रही नहीं खा रहा है। पहले आप देखिए बिजनेस के बारे में, पैसे कमाने के लिए एयरटेल कितना बढ़िया पैसा कमाता था, आइडिया कमाता था, बेसमेंट कमाता था, लेकिन जियो बड़ा बिजनेस आया, सारे लोग की धज्जियां उड़ा कर रख दिया, नहीं रख दिया। पैसा कमाने के लिए इंसान एक इंसान के पेट पे लात मार के पैसा कमा रहा है। और हम लोग उस समाज के अंदर हम लोग भी पैसा कमाने की बात करते हैं, लेकिन हम लोग कैसे पैसा कमाते हैं, हम लोग ऐसा क्या काम करते हैं? हम लोग समाज के अंदर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको ये बताते हैं सर बर्गर पिज्जा नूडल चाउमीन पास्ता नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब खाने की वजह से आज हमारे समाज के अंदर हमारे परिवार के अंदर लाइलाज बीमारी उत्पन्न हो रही है। हम मानते हैं सब लोग इस बात को जानते हैं या सब लोग जानते नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने 100 लोगों को बताई ये बातें, अगर 100 में से 20 व्यक्ति ने मेरी बात को मान ली, अगर 20 लोग की जिंदगी से ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां अगर हट जाती हैं, तो मेरा आपसे सवाल है, हम काम अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। कॉफी नहीं पीना चाहिए, हम लोगों को बताते हैं सर सुबह उठकर 4 ग्लास गुनगुना पानी पीना चाहिए, क्या हम लोग पानी बेचते हैं क्या? पानी हर इंसान के घर में अवेलेबल है कि नहीं है? हर एक इंसान पी सकता है नहीं पी सकता है? मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, अगर एक नॉर्मल इंसान भी सुबह उठकर अपने पूरे परिवार के साथ 4 ग्लास 5 ग्लास सिर्फ गर्म पानी करके उसमें तुलसी डालकर पीना शुरू कर दे, उसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, उसके लाइफ से 20 बड़ी बड़ी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर मेरे एक छोटे से सलाह देने से अगर समाज के अंदर इतना बड़ा बदलाव हो सकता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरा काम अच्छा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काम अच्छा है, इसलिए मैंने भी इस काम को शुरुआत करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने ये जो सारा प्रोडक्ट बताया कि ये घुटने की बीमारी ठीक करता है, ये गैस ठीक करता है, ये लीवर ठीक करता है, ये हमारे शरीर को हिस्ट पुष्ट बनाता है, हमारे शरीर को अच्छा बनाता है, क्या गारंटी है कि जो प्रोडक्ट आप बता रहे हैं हमारे सेहत के काम करेगा? ऐसा दिमाग में आपके चल रहा है? क्योंकि बिजनेस करने के लिए एक प्रकार से पैसा कमाने के लिए प्रोडक्ट को हमको सेल करना पड़ेगा, लेकिन क्या गारंटी है? जब मैंने शुरुआत करी थी मेरे दिमाग में आया काम तो बढ़िया है सर, लेकिन अगर मैं किसी भी व्यक्ति को अगर इस प्रोडक्ट को इस डिजीज में दे रहा हूं, तो क्या गारंटी है वो इंसान ठीक होगा? मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग 1% झूठ बोलकर बिजनेस नहीं करते हैं, 100% सत्य बोलेंगे। हमारे प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं है कि मैं जिस बीमारी में आपको दे रहा हूं बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेडिकल सेक्टर में गारंटी नाम की कहीं पर भी कोई वर्ड नहीं है। आप कहीं पर भी चले जाए, लंदन चले जाए, अमेरिका चले जाइए, कहीं पर भी किसी भी देश विदेश चले जाइए, कहीं पर भी आपको गारंटी नहीं देगा कि भाई साहब आइए 20 लाख रुपए लगाइए आपकी शरीर की पूरी गारंटी। कहीं गारंटी आपने देखा सर मेडिकल सेक्टर में? नहीं। क्यों नहीं देखते? क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि हर एक इंसान का खान पान इम्यूनिटी पावर अलग अलग रहती है। हाँ, मेरे प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, ये गारंटी है कि जो मैंने प्रोडक्ट में लिखा हुआ है वो 100% इस चीज में मिला हुआ है, आप मेरे लैब में नहीं दुनिया की किसी भी लैब में आप टेस्ट करवा सके। लेकिन मैं आपके साथ हूँ, मान के चलिए आपका प्रोडक्ट, अगर आप किसी इंसान को डॉक्टर बोल दिया है कि आपका घुटना खराब है सर 2.5 लाख रुपए घुटने में लगेंगे, अगर प्रोडक्ट नहीं काम करेगा तो क्या हो जाएगा सर? जो इंसान 2.5 लाख रुपए लगा सकते हो 10,000 रुपए और मान ले 2,60,000 रुपए। लेकिन अगर आप समझिए, जैसे 99% आप गलत सोचते हैं, अगर नहीं होगा तो 1% अगर सोच के देखिए, अगर वो प्रोडक्ट काम कर गया तो जिस इंसान के 2.5 लाख रुपए लगने वाले थे 2,40,000 रुपए बच जाएंगे। और ऐसा आज मैं आपको बता नहीं रहा हूं, आपसे पहले एसलीपीएस वेलनेस में 10 लाख लोगों ने इस बात को प्रूव कर दिया है। और एसलीपीएस वेलनेस एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों का पैसा लगा के नहीं, लोगों का पैसा बचा के हम लोग पैसा कमा रहे हैं। लोगों को आयुर्वेद के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि ये जो सर बता रहे हैं ऐसे 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ रुपए कमा लेंगे या हम इस जिंदगी में बड़ा सपना पूरा कर पाएंगे, ऐसा दिल में डर है? कितने लोग के दिल में डर है? हैंड सब करिएगा, सबको विश्वास है 100 करोड़ कमा लेंगे? जोरदार ताली होना चाहिए सारे लोग। हमने जब बिजनेस की शुरुआत किया था तो हमारे दिमाग में यार क्या गारंटी है कि हम इस बिजनेस से करोड़ों रुपए कमा लेंगे या फिर कमाए या फिर लोग कमा रहे हैं। चलो मैं मानता हूं सर 99% मैं आपके साथ हूं, अगर इस बिजनेस में अगर हम और आप फेल हो गए तो मेरा क्या जाए?
तो विश्वास किसी को नहीं है। अभी मैं बोल रहा हूँ सबको विश्वास से ज्वाइन करने के लिए 600 रुपए और 15,000 रुपए लगेंगे, तो सबके पास सवाल आ जाएंगे। सर पापा से पूछेंगे, मम्मी से पूछेंगे, भाई से पूछेंगे, बहन से पूछेंगे, रिश्तेदार से पूछेंगे, चाचा से पूछेंगे, चाचा के मौसा से पूछेंगे, मैडम जी से पूछेंगे, मैडम जी के बहन से पूछेंगे, तमाम प्रकार के सवाल आएंगे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं। अगर किसी इंसान को विश्वास हो जाए 10,000-15,000 रुपए खर्च करके 100 रुपए 100 करोड़ कमाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो इंसान छोड़ेगा क्या? भाई साहब चपरासी ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी की नौकरी के लिए 10,00,000 रुपए देने को तैयार होते हैं, क्योंकि विश्वास होता है। लेकिन मैं मानता हूँ 99% हम और आप इस बिजनेस में अगर फेल हो गए तो क्या जाएगा? हमने 600 रुपए पैड किया, उसके बदले एजुकेशनल किट लिया, अपने हेल्थ के बारे में जाना, और मैंने अगर 10,000 रुपए दिया कंपनी को, तो कंपनी ने हमारी 12,000 रुपए का आपको प्रोडक्ट दिया, और प्रोडक्ट कैसा? जो हमारे घर की जरूरत। अगर हमको पतला होना है तो वो प्रोडक्ट लेंगे, मोटा होना है तो लेना, बॉडी बनानी है वो प्रोडक्ट लेंगे, अगर हमारे घर में गैस की समस्या है वो प्रोडक्ट लेंगे, घुटने की समस्या हो लेंगे, शुगर की समस्या, मतलब आज हमारी कंपनी में 120 प्लस प्रोडक्ट है। अब इस पूरे प्रोडक्ट में कोई कंडीशन ही नहीं है कि आपको यही प्रोडक्ट लेना है, जो दिल में आए। ऐसा नहीं है कि 10,000 दीजिए, सूट लीजिए, थाली लीजिए, बर्तन लीजिए, ऐसा मेरे दोस्त अगर आपने यहाँ पे 10,000 दिया, कंपनी हमारी 12,000 रुपए का प्रोडक्ट दे दी, अगर मान लेते अगर हम इस बिजनेस में नहीं भी पैसा कमाते, अगर वो प्रोडक्ट किसी जरूरतमंद इंसान को पिला देते हैं, खिला देते हैं, अगर वो ठीक हो जाएगा तो जिंदगी भर दुआ देगा कि दीजिएगा। और हमने ये बात सुना है जहां दवा नहीं काम आती वहां दुआ। और अगर आप इस बिजनेस से नहीं पैसा कमाते तो भी आपका 2,000 रुपए फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपने 16,000 रुपए देकर बिजनेस की शुरुआत करी तो कंपनी 18,000 रुपए का प्रोडक्ट, 19,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको दे देती है। आप बताओ सर यहाँ पे आपको क्या लॉस है? प्रोडक्ट है अच्छा, ऐसा तो नहीं है ये मैंने आपको क्या दे दिया, सूट दे दिया, ये लीजिए 10,000 का सूट आप बेचिए। यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है? हमारे नीट का प्रोडक्ट है, 107 प्रोडक्ट है। अगर किसी को गैस की समस्या है, अगर मैंने उनको एक बार समझा के दे दिया, अगर वो खत्म हो जाएगा तो मेरे पास आएंगे कि नहीं आएंगे? फिर आएंगे नहीं आएंगे सर? आप सोच के देखिए, 99% अगर इस बिजनेस में हम और आप जो लोग मजाक उड़ाते हैं यार करोड़ों रुपए कमाने का सपना ये है, मैं मानता हूँ चलो आपके साथ इस बिजनेस में फेल हो गए तो जाएगा भाई साहब, जो आपका बाइक है, जो आपका नौकरी है, जो आपका परिवार है, जो आपके माँ बाप, जो आपका खानदान है, पूर्ण रूप से वही रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, लेकिन 1% अगर मान के देखिए, अगर जिंदगी में अगर 1% विश्वास करके अगर इस बिजनेस में सफल हो गए तो क्या से क्या हो सकता है? मैं आपको बताना चाहूंगा, 1% का विश्वास कीजिए हमारी कंपनी के टॉप चीफ मिस्टर महिपाल सिंह। कौन किया था? महिपाल सिंह। मिस्टर महिपाल सिंह आर्मी में नौकरी करते हुए बिजनेस की शुरुआत करे थे आज से 6 साल पहले। आज मैं बता दूं, सर ने 100 करोड़ का प्लान बताया 18 लेवल तक, और मैं आपको बताना चाहूंगा मैं 6 साल के अंदर गुरुजी ने भी कंपनी का 15 लेवल कंप्लीट कर चुके हैं, और अब तक सबसे ज्यादा इनकम करने वाले कंपनी में 30 करोड़ से ज्यादा इनकम। दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे 0 रुपए निवेश करके 6 साल में 30 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है। ओपन चैलेंज कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है। 1% विश्वास अगर नहीं कमाते नहीं करते तो क्या होता सर? नहीं सफल होते कुछ बर्बाद होता। कौन से यहाँ पे 10-20 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहे हैं? 1% विश्वास के मिस्टर शिव कुमार सर, ये भी आर्मी में नौकरी करते थे, 6 साल पहले कंपनी में शुरुआत किए थे, आयुर्वेद को लेकर एक मुहिम चला था यार, अपना पेड़ तो कुत्ता भी पालता है, अपने साथ लोगों को भी पैसा कमवाएंगे। और 1% का विश्वास मैं आपको बताना चाहूंगा, सर ने भी कंपनी में 15 लेवल कंप्लीट कर लिए है, और अब तक की टोटल इनकम 25 करोड़ से ज्यादा की कर चुके हैं। 20 करोड़ का मतलब आप समझ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ 25 करोड़ रुपया रुपया होता है आपके गांव को, 2-4 करोड़ का मालिक होता है, पूरा गांव से डरता भैया फलाने हैं। 5 साल के अंदर मेरे दोस्त 25 करोड़ की अर्निंग, और पर मंथ इनकम 40-50 लाख रुपए है। दिस इज पावर ऑफ एस्पिरेशन वेलनेस, और दिस इज पावर ऑफ नेटवर्क। मेरे दोस्त 1% का विश्वास किए थे मिस्टर अमित दुबे सर। कौन? मैं आपको बताना चाहता हूँ, एकदम यंग, एकदम हीरो पर्सनालिटी, उम्र बहुत ही कम, 24 साल की उम्र में इन्होंने एस्लीपियस वेलनेस की शुरुआत करी थी। कौन सी उम्र में? 24। और आज 5 साल एस्लीपियस वेलनेस में पूरा हो गया, 24, 5, 29। आज 24 साल में शुरुआत किए थे, 5 साल कंपनी में हो गया, 29 साल की उम्र में। मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में इनको अपना आइडेंटिफिकेशन बताने की जरूरत नहीं कि अमित दुबे कौन है। अगर सूरज चौराहे पे भी गलती से खड़े हो जाए तो लाइन लग जाएगी उनको रिसीव करने
वालों की, वो नहीं जानते कि ये मेरे टीम का लड़का है, क्योंकि हर एक टीम का बच्चा जानता है ये हमारे गुरु जी हैं। आज अमित दुबे सर के बारे में बात करें, कंपनी में 14 रैंक कंप्लीट कर चुके हैं और अब तक 5 साल के अंदर 8 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग कर चुके हैं। पहला अचीवमेंट जो किया था, पहली गाड़ी इनकी थी होंडा सिटी। कौन सी? होंडा सिटी। अगर हमारे गांव में कोई होंडा सिटी ले ले, किसी को जीने ना दे, हर साल होंडा सिटी ये 17 लाख की। पहली गाड़ी गुरुजी ने होंडा सिटी लिया, दूसरी गाड़ी इन्होंने लिया फॉर्च्यूनर। कौन सी गाड़ी? फॉर्च्यूनर। कितने की आती है? 40 से 50 लाख, 35 लाख यही आती है। मेरे दोस्त इससे भी इनका दिल खुश नहीं है, उन्होंने अब तक की सबसे ब्रांड गाड़ी जैगुआर XF 1 करोड़ की गाड़ी मेंटेन करते हैं, 1 करोड़। और 1% का विश्वास मैं आपको बताना चाहता हूँ, अवधेश नारायण गुप्ता सर ने किया था 1% विश्वास। यही आपके दुर्गा कुंड वाराणसी के रहने वाले हैं और इनकी उम्र मात्र 26 साल है। एक इन्होंने बिजनेस किया, आज से 4 साल पहले शुरुआत किया था। 18,000 रुपए की नौकरी करते थे रियल इस्टेट में, बाइक से चला करते थे वाराणसी के अंदर। एसलिटेस सुनेस की ताकत है मेरे दोस्त। आस्था ने भी कंपनी में 13 लेवल कंप्लीट कर चुके हैं और वहां 4 साल के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग कर चुके हैं। ये 1% का विश्वास है, अगर नहीं होता तो जो जीवन चल रहा है वो आज मैं बता दूं, पूरे पूरे भदोही के अंदर शायद ऐसी गाड़ी किसी के पास हो। आज ऑडी A6 जैसी गाड़ियां मेंटेन करते हैं, ऑडी A6। अच्छा, ऑडी A6 की बात करते हैं, ऑडी A6 का मतलब समझ रहे हैं? ऑडी A6 मतलब समझ रहे हैं? उसकी कॉस्ट मात्र और मात्र 75 लाख रुपया है। 75 लाख रुपए की गाड़ी, आप समझ के देखिए। आप एसलिपियस वेलनेस में 5 साल में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं मेहनत करके, क्या बोल सकते हैं जितनी तुम्हारी पूरी लाइफ की कमाई होती कि मेरी गाड़ी। 1% का विश्वास के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रणव कुमार पांडे गुरुजी रहने वाले गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। आज मैं बता दूं, सर को पैसे की कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। प्रणव कुमार पांडे गुरुजी के बारे में बता दूं, बहुत सारे पिताजी का जमीन और पिताजी प्रिंसिपल थे, तो आप समझ सकते हैं कि जीने खाने में कोई दिक्कत नहीं होती, मास्टर की सैलरी भी अच्छी होती, जीवन बहुत अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन इनका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इन्होंने नेटवर्किंग बचपन से ही चूज किया। 19-20 साल की उम्र से नेटवर्किंग करना शुरू कर दिया और 14 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया। कितने साल? 14 साल। लेकिन वो फेल रहे, सफल नहीं हुए। आज 4 साल के अंदर AWPL में 12 रैंक कंप्लीट कर चुके हैं और 4 साल के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग कर चुके हैं। इन्होंने पहली गुरुजी ने गाड़ी लिया वरना टॉप मॉडल 16 लाख रुपए की, और इन्होंने गुरुजी को गाड़ी ली है। मेरे गांव में अगर कहीं खराब हो जाएगा और उसको रात के समय चला देंगे तो बोलेंगे लोग इसको भूत चला रहा है। उसका कारण ये है कि वो गाड़ी बिना ड्राइवर का 500 मीटर अप डाउन होती है, पार्किंग होती है। अब गाँव में चले गए बिना ड्राइवर का तो यही बोलेंगे ना, चुड़ैल चला रही है। मेरे दोस्त आप समझ के देखिए कि दुनिया कितनी आगे हो चुकी है और हम लोग अभी कहाँ बैठे हुए हैं। आज BMW 5 सीरीज के मालिक है हमारे गुरुदेव। ये अगर नहीं भी हो गए यार जिंदगी में, तो जो खाना पीना पहनना ओढ़ना साइकिल बाइक नौकरी दोस्त यार प्यार सब वही रहेगा। लेकिन अगर 1% भी अगर बिजनेस में सफल हो गए तो कहां से कहां तक जिंदगी जा सकते। क्या 1% विश्वास करके बिजनेस की शुरुआत किया जा सकता है? यस सर। अभी आपके दिमाग में चला, ये तो पोस्टर में आपने दिखाया है ना? yes, अभी पोस्टर में दिखाया, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, अकेला मैंने भदोही के अंदर शुरुआत किया था, आज मैं पैसा कमा की बड़ी बात ही। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे, क्या आप उन सभी से मिलना चाहते हैं? yes, sir. मिलना चाहते हैं। लोग बोलते हैं ना, आपकी क्या काम है, अभी आपने जिंदगी में क्या किया, तो हमने वो कर दिखाया जो आप सोच नहीं सकते। क्या उन सभी लोग से मिलना चाहते हैं? yes, sir. तो हम सभी अचीवर को स्टेज पर कॉल करेंगे, जितने लोग यहाँ से पैसा कमाए वो सारे लोग एक साथ स्टेज पर आएंगे और अपना नाम अपना परिचय और यहाँ से कितना पैसा कमाए वो बता के जाएंगे। तो एक जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं।